शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से ये मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया। ये सब झूठा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब मैंने डर की वजह से बोला है, ये सब झूठा है। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं सुनना चाहते हम। तुमने हमारे पीठ पीछे फोन पे जुआ खेला हाँ, और जब उसमें पैसे हार गई तो अपने भाई के पैसे चुराए। अरे जेल में है वो, जब पुलिस तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने घसीटती हुई ले जा रही थी तो तुम चुप खड़ी रही। अरे किस मिट्टी की बनी है तू? अरे बोल ना, तुझसे पूछ रहे हम, अरे बोल। बस कीजिए तनुजा भाभी, बस कीजिए, हमारी आरती पहले ऐसे कभी नहीं थी। ये सारी आग इसी की लगाई हुई है। सोनिया नाम का कांटा हमारी आरती की आंखों में ऐसा फंस गया है कि इस बेचारी को सही गलत के बीच का फर्क भी नजर नहीं आ रहा है। अरे ये सारा इसी नागिन का किया धरा है। सही कह रहे हैं आप बुआ जी, अगर आज ही सोनिया को पुलिस में नहीं दिया ना तो कल ना जाने क्या क्या गुल खिलाएगी हमारे परिवार की शांति को भंग करने के लिए। लेकिन श्रद्धा, आपको कैसे पता चला कि ये सब कुछ आरती ने किया है? ताई जी, आरती पे मेरी नजर पहले दिन से थी, जब से मैंने उसे सोनिया के साथ देखा था। सोनिया, आरती, पुलिस वालों को जो पैसे मिले हैं वो दरअसल अभय के दोस्त बंडी ने उनके बैग में चुपचाप डाल दिए थे। उससे मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि वो वेंडर को देने वाले पैसे चोरी हुए हैं। और जिस इंसान ने उन पैसों को चुराया है वो हमारे घर का ही सदस्य है। श्रद्धा बेटा, तुमने इन सब के बीच में कैसे पता लगा लिया कि चोरी आरती ने की है? आपकी मदद से बुआ जी। लो बताओ, अब हमने क्या कर दिया? हमने तो कुछ नहीं किया। मुझे ये बात पहले से पता थी कि आरती कॉलेज छोड़ के सोनिया से मिलती है। मैंने उसे इस बारे में पूछने की कोशिश भी की थी पर उसने साफ इनकार कर दिया था। और फिर एक दिन आपने कहा कि कॉलेज से फोन आया है, आरती क्लासेस बंक करती है। वैसे तो हम बताना नहीं चाहते थे लेकिन कॉलेज से फोन आया, तुम आजकल क्लास नहीं जाती? तब मेरा शक और पक्का हो गया। याद है आप लोगों को वो दिन जिस दिन बिजली गई थी, आरती अपने कमरे में चली गई थी ये कह के कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और जैसे ही बिजली वापस आई आरती की तबीयत फिर से ठीक हो गई और वो सही सलामत हम सब के बीच आके वापस बैठ गई थी। मैं भी खाना खा लेती हूँ, मुझे भी दे दो। अभी तो कह रही थी कि तला हुआ खाने से तबीयत खराब होती है। हाँ, पर अभी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, आराम किया ना और भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ। मैंने उससे इस बारे में दोबारा बात करने की कोशिश की, मैं उसके कमरे में भी गई थी लेकिन वहां पर मैंने एक फोन का बिल देखा।
पापा जी, कार्ड से जो पैसे अभय के नाम पे निकले थे वो दरअसल अभय ने नहीं, आरती ने निकाले थे। बेटा, इतनी बड़ी बात आपने अंदर छुपा कर रखी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया बेटा आपने? और आपको तो चोट भी लग गई बेटा। क्योंकि पापा जी, मैं आरती का नाम नहीं ले सकती थी। मैं चाहती थी कि वो अपनी गलती खुद कबूल कर ले। और इसलिए मैंने झूठ भी कहा कि बॉस ने पेनल्टी के नाम पे 10 लाख और मांगे हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि आरती उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए और गेम खेलेगी और वो सोनिया से मिलेगी। कल रात मुझे लगा कि हमारे घर के नीचे कोई है, मैंने उसका पीछा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कर पाती आरती ने मेरे सर पे जोर से मार। भाई को जेल, भाभी पे हमला, अरे तू है कौन? अरे तू हमारी बेटी नहीं हो सकती। आरती, पहले भी तुम्हारी वजह से तुम्हारे भैया और भाभी का रिश्ता टूटने वाला था। 7 दिन तुम्हारे आज खत्म हो गए इस घर में, और हमारा ये जो ये रिश्ता था ना, वो भी खत्म। चलो निकलो यहां से। पहले जब तुमने ये गलती की तब हमने सोचा कि तुम बच्ची हो, संभल जाओगी, सुधर जाओगी, तुम्हारा ये गलती नहीं करूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने फिर से ये गलती दोहराई। तुम्हारी अपनी आंखों के सामने भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई, तब तुम खड़ी रही चुपचाप। तुम्हारी भाभी पर इतने इल्जाम लगे, तनुजा भाभी ने थप्पड़ तक जड़ दिया, तब भी तुम अपने कान और आंख बंद कर खड़ी थी। अरे इस नागिन के फैलाए हुए जहर में लपक लपक कर गोते खा रही हो आरती, बताओ। जब धू धू करके हमारा घर चल रहा होगा ना, तब ये साथ छोड़कर हमारे चली जाएगी। इसका साथ सिर्फ मतलब का, मतलब खत्म, प्यार खत्म, रिश्ता खत्म। मैं बहुत डर गई थी, मैं जब पैसे निकालने गई, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए थे। जब मैं पैसे चुरा रही थी तो मैंने किसी की आहट सुनी और पूरा का पूरा बंडल मेरे हाथ में था और मैं लेकर भाग गई। ये तूने क्या कर दिया आरती? अरे उस दिन जिस दिन पुलिस आई थी घर पे छानबीन करने, उस दिन तो तू बता सकती थी ना। वरुण जी, मैं जानती हूँ आरती ने उन पैसों को वापस रखने की कोशिश भी की होगी, लेकिन इससे पहले वो कर पाती पुलिस वालों को अभय के बैग से वो पैसे मिल गए जो बंटी ने उनके बैग में चुपचाप रखे थे। भाभी, मैंने कोशिश की थी पैसे वापस रखने की, पर मैं पुलिस को देखकर और ज्यादा घबरा गई और मैं पैसों का क्या करूं? मुझे समझ नहीं आया तो मैंने सोनिया के पास पैसे रखवा दिए। सोनिया, हमने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज के बाद अगर हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को तुम्हारी वजह से कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो इस बार हम तुम्हारे माता पिता को सारी सच्चाई बता देंगे। अगर दोबारा मैंने तुम्हें हमारे घर के किसी भी सदस्य के साथ देख लिया सोनिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहां से।
चलो बेटा, अभय को घर लेकर आते। देखिए, अब कंप्लेन भी वापस ले ली गई है और मिस्टर बंटी जी के बयान से भी यह साबित हो गया है कि मिस्टर अभय त्रिपाठी ने चोरी नहीं की है, तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। शुक्रिया। अभय बेटा, मैं अब चलता हूं, बबलू घर पर अकेला है। जी जीते रहो बेटा और अपना ध्यान रखो। भाई, तेरे हक का पैसा लौटाकर मैं बहुत पश्चाताप करना चाहता था, पर तुझसे आग मिला के माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जानता हूं कि मैंने दोस्ती और भरोसा दोनों खो दिया है, पर हो सके तो अपने दोस्त को माफ कर दे यार। ये सब तो मैं कब से भूल गया था। तूने माफी मांगी और वो पैसे देकर ना मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया तूने। बोझ इसलिए क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं थे, इसलिए थैंक यू। अब घर चल, चाची कब से तेरा वेट कर रही है। हाँ रात नहीं सो सके, बस ये सोच के कि हमारा बच्चा किस हाल में होगा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ खाया तुमने? अरे क्या ही खाया होगा, बस तुम घर आ गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। माता रानी को जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। वैसे शुक्रिया तो हमें श्रद्धा का भी करना चाहिए, क्योंकि सही मायनों में अभय को घर वापस यही लेकर आई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, श्रद्धा ने एक पत्नी होने का फर्ज बिल्कुल अच्छी तरह से निभाया है। एक भी चैन की सांस नहीं ली उसने जब तक वो अभय को घर नहीं लेकर आ गई। नैना भाभी, श्रद्धा तो मिसाल है, बहू हो तो ऐसी, अपने परिवार को हर संकट से मुक्त कर देती है हमेशा। बेटा, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, तुझ पर हाथ उठा, अपने बाप को माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। अब ये क्या कह रहे हैं आप, मुझसे माफी कभी नहीं मांगेंगे? कि आपका विश्वास ही था जो मैं जेल में रह पाया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों के साथ मैंने जो व्यवहार किया उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं, और अपनी गलती सुधारने के लिए अभय मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। अभय, मैं तुम्हें कंपनी में सीनियर पोजीशन के साथ साथ तुम्हारी सैलरी 30% बढ़ा रहा हूं। शुक्रिया सर, पर मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूं।
क्योंकि पैसे से ज्यादा मेरे लिए अहमियत रखता है आत्मसम्मान, जिसकी आपकी कंपनी में तो कोई कदर नहीं है, इसलिए मैं वहां काम नहीं कर सकता। श्रद्धा समझाओ इसे, माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतना अच्छा प्रस्ताव ठुकरा के ये तो मुझसे भी बड़ी गलती कर रहा है, तुम तो समझती हो ना। मेरे पति सही कह रहे हैं सर, और इसमें मैं उनका साथ दे रही हूँ। और इस फैसले में अपने पति का साथ देते हुए हम दोनों आपकी ये कंपनी छोड़ते हैं। हमारा इस्तीफा आपके दफ्तर पहुंच जाएगा। इतनी नासमझी मत करो श्रद्धा, मैं जानता हूँ अपना ये घर और परिवार संभालने के लिए तुम्हें हमेशा पैसों की जरूरत रहती है, और ऐसे अचानक तुम लोग अगर नौकरी छोड़ दोगे तो कैसे संभाल पाओगे ये घर और परिवार। उसकी चिंता आप मत करिए सर, हमारा परिवार हमेशा से साथ मिलकर सारी मुश्किलें हल कर लेता है, ये भी कर लेंगे। एक और बात, हमारे जो ये बच्चे हैं वो अपनी बुआ पर गए हैं, नई नौकरी मिलना उनके लिए बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है। हमें पहली बार लगता है कि इस अभय ने सही फैसला लिया, हम अभय के साथ। जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर दोबारा कंपनी ज्वाइन करना चाहो तो कभी भी आ सकते हो, मुझे खुशी होगी, चलता हूँ। अरे हम समझ सकते हैं, अपने बच्चों पर भरोसा रखो, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए इन पर। देखिएगा इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी दोनों को। अब मुस्कुरा दीजिए, आपका बेटा घर वापस आ गया है। और इस बात पे तो पार्टी बनती है ना राजू? पार्टी! अरे पार्टी वार्टी बाद में, सबसे पहले हम गृह शांति के लिए पूजा करेंगे। हाँ अरे बाकी सब तो ठीक है, कोई मुझे कुछ खिलाएगा, कल से कुछ नहीं खाया मैंने। अरे अभय आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। भैया आरती अपने भैया को थोड़ा वक्त दो, वो तुमसे खुद बात करने आएंगे। मम्मी जी आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है, अभय के साथ आप भी थोड़ा खाना खा लीजिए। नैना भाभी हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तनुजा भाभी के मन में जो जहर घुला हुआ है श्रद्धा को लेकर, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब जैसे आंखें उन्होंने बंद कर दी, श्रद्धा की मेहनत नजर नहीं आती उन्हें। इतना घमंड और गुरूर करना अच्छी बात नहीं है, देखा आपने कैसे चली गई वो। नहीं रितु, हम तनुजा को अच्छी तरह से जानते, उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? देखिए ना भाई, मम्मी जी ने सब कुछ आपके पसंद का बनाया है, छोले पराठे चावल गुलाब जामुन। हाँ ये मुझे दो। अरे
आप... ना अरे उधर क्यों रख रहे हैं? आओ यहाँ बैठो बैठो। अरे बाबा हिलना बंद करो, जैसे आम लोगों में माता आती है ना, वैसे तुम में ना इंसाफ की देवी आ जाती है। जब देखो अकेली मैदान में उतर जाती है। अभय ये सब मैंने आप ही से सीखा है। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। आपने खाना तो खाया ही नहीं, ठंडा हो रहा है। कोई नहीं बाद में खा लूंगा। हमें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि श्रद्धा ने हमें साथ में देख लिया। बस कुछ दिनों के लिए घर के आसपास हम नहीं मिल सकते। बाय। वरुण जी ये अंगूठी शायद अवनी के हाथ से गिर गई। वो मैं श्रद्धा वो ये वो ये कीर्ति की अंगूठी है वरुण जी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।